एम पीजेंस वाइस सर्विसेज सैनिक वेलफेयर एल ई एन टी एफ डिपार्टमेंट, हार्दिक स्वागत है सर आपका। इनके साथ टोन और क्लास रूम बॉय अरे फोन हटाओ भाई, पूरा फोन आ जा रहा है। सर थोड़ा सा मिस्टर साहब ने भी क्षमा जलाई और अभी जहाँ इनके राजीव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब क्षमा जलाई, जनाब मौजूम खान साहब एमएलए ने क्षमा रोशन की, बीपीडीएल से जनाब सैयद रफी साहब ने क्षमा जलाई, जनाब नायक साहब से इल्तिजा था। जनाब सैयद रफी साहब जनरल मैनेजर पी एंड ए आकाश, जनाब एसवीके नागेश साहब की गुलपोशी आर श्रीनिवास राव, थी उनका विजन था, उनकी सोच थी, उनकी फिक्र थी कि पुराने शहर में भी एक आईटीआई होना चाहिए और जो पुराने शहर के नौजवान बच्चे हैं जो टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं वो सारे बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह 1972 से आज तक ये आईटीआई चल रहा है और जो मौजूदा प्रिंसिपल है और जो डायरेक्टर है इस डिपार्टमेंट के, ये लोग पिछले एक साल पहले दारुसलाम को आए थे, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात की, मेयर से मुलाकात की और कहे कि बीडीएल वाले इस आईटीआई को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं और अश्योरेंस चाह रहे हैं लोकल एमपी और लोकल एमएलए का कि आप हमें आपके लिटरेट्स के ऊपर लिख के दिए, आपका सपोर्ट रहेगा तो हम बराबर इसको अडॉप्ट करेंगे। जब भी हमारे पार्टी प्रेसिडेंट जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब इमीडिएटली लेटर उन्हें भी दिए, मैं भी दिया और ये उम्मीद जिताए बीडीएल कंपनी को, आप जितना डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप जो अडॉप्ट कर डेवलप करना चाहते हैं इस आईटीआई को आप बराबर करिए, हमारी पार्टी की तरफ से और हमारी तरफ से 100% आपको सपोर्ट रहेगी। मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन शुरू से यही चाहती है पुराने शहर में तरक्की हो, पुराने शहर में डेवलपमेंट आए, पुराने शहर के अंदर हमारे बच्चे एजुकेशन में आगे रहे,
टेक्निकल फील्ड में आगे रहे और कई डिपार्टमेंट जो भी गवर्नमेंट के स्कीमात है, जो भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स है, हर चीज में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन यहाँ की यूनिवर्सिटी के लोग को आगे बढ़ाती है और हिस्सा लेने की बराबर उम्मीद दिलाते हैं और कहते हैं आप बराबर हिस्सा लीजिए, आपका डेवलपमेंट आएगा। मैं फिर एक बार हमारे होम मिनिस्टर साहब से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका जब ताउन रहेगा, आपका जब इंटरफेरियंस रहेगा इस आईटीआई के ताल्लुक से, ये आईटीआई और डेवलपमेंट होगा। शुक्रिया साहब। आज आईटीआई ओल्ड सिटी के क्लासरूम ब्लॉक और वर्कशॉप के लिए फाउंडेशन डाला गया। हमारे जनाब मौजूद मौजम खान साहब लोकल एमएलए और के वाई नायक साहब डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट, नागेश साहब डीजी, एनके राजू ईडी बीडीएल और सैयद रफीक गारु एरिया कॉर्पोरेटर, भट्टी श्रीराम गारु डीजीएम, तरुण कुमार गारु आरडीडी, सुपर खान गारु प्रिंसिपल, मोहम्मद खान साहब प्रिंसिपल मरी मीडिया और बस्ती के बुजुर्गों और टीचर्स स्टूडेंट्स। साथियों, बहुत खुशी की बात है, ओल्ड सिटी में एक बेस्ट आईटीआई बनने जा रहा है। बहुत खुशी की बात है क्योंकि हमेशा ओल्ड सिटी को निग्लेक्ट करते गए। ओल्ड सिटी भी न्यू सिटी का जैसा होना है हमारा सीएम साहब का ख्वाहिश है। हमारे असदुद्दीन साहब और दूसरे एमएलएस का पूरा ताउन है हमारे गवर्नमेंट को। हम लोग सब मिलकर फ्रेंडली गवर्नमेंट चला रहे, ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि हम लोगों ने ये चाहते कि हरो मजहब हरो रूप के लोग अच्छा रहे, खुशहाली से रहे, जब ही तो है हमारा तेलंगाना हासिल करने का मकसद पूरा हो सकता। तेलंगाना हासिल किए हमारा बेरोजगारी को दूर करने के लिए, हमारा खेतों को पानी देने के लिए और हमारा पैसा हमारे एरिया में खर्च करने के लिए, ये तीनों कॉन्सेप्ट के ऊपर ही तेलंगाना आंदोलन शुरू हुआ। ये आंदोलन 14 साल लड़ा, केसीआर के नेतृत्व में 14 साल लड़े हम लोग। आखिर में कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना देना जरूरी हो गया। सकल जनला समय और स्टूडेंट्स का मूवमेंट और केसीआर का अंडरस्टैंड, ये सब जो है कांग्रेस को कंपल्सरी तेलंगाना देना पड़ा, तेलंगाना दिए। तेलंगाना आने के बाद हमारे सीएम साहब हर एक होम को सबको अच्छा देखना चाहते, कि हमारा हैदराबाद गंगा जमुना का तहजीब था, बीच में लोगों ने इसको बिगाड़ने का बहुत कोशिश की, वो तो खत्म हो गए। अब हमेशा गंगा जमुना का तहजीब कंटिन्यू होगा हमारे तेलंगाना में। हिंदू और मुसलमान, ईसाई सिख सब मिलकर रहेंगे, कोई भी बाग में एक झाड़ फूल फूलने से वो झाड़ का इज्जत नहीं बढ़ती, वो बाग का इज्जत नहीं बढ़ती। बाग में जितने झाड़ फूल खुलेंगे वो बाग का इज्जत बढ़ती है। तो हर आदमी का खुशहाली से जीना, हर आदमी सुकून से रहना, वही हमारा सरकार का ध्येय है, सरकार का उद्देश्य है। आज हम लोग देखते हैं तो एजुकेशन में हम लोग पीछे है। आज देश में केरला नंबर वन है, तो हमारे सीएम साहब चाहते हैं तेलंगाना नंबर वन है एजुकेशन में। इसी वास्ते मुस्लिम माइनॉरिटीज को 200 रेजिडेंशियल स्कूल से सैंक्शन किए,
कोई गवर्नमेंट अभी तक 60 साल में मुस्लिम बच्चों का पढ़ाई का उनका कोई इंतजाम नहीं किया। हमारे सीएम साहब ने सेंट्रल मिनिस्टर थे तब सेंट्रल गवर्नमेंट में डिमांड किए, मुस्लिम का हालत बहुत बुरा है, सचार कमेटी को डाले। सचार कमेटी ने पूरा देश को पूरा संबीन करके रिपोर्ट दिए, दलितों से बदतर है माइनॉरिटीज का हालत, एजुकेशन में बहुत पीछे है, नौकरियों में बहुत पीछे है, उनको सुधारना जरूरी है। तो इसी वास्ते सचार कमेटी का रिपोर्ट कांग्रेस ने तैयार किया, हमारे इम्प्लीमेंट नहीं किया। हमारे सीएम साहब आने के बाद इस सचार कमेटी का रिपोर्ट के आधार पर नहीं, हमारे माइनॉरिटीज को अच्छा इज्जत होना चाहिए समाज में सबके जैसा। तो आज बच्चों को स्कॉलरशिप में एससी एसटी बच्चों को जो भी ईसी बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, माइनॉरिटी बच्चों को वही स्कॉलरशिप मिले जैसा हमारे गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया। इसी वास्ते एससी एसटी को रेजिडेंशियल स्कूल्स दिए और माइनॉरिटी स्कूल के अब बीसी को भी टोटल 119 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बीसी रेजिडेंशियल स्कूल खोलने का फैसला किए, अगले साल से शुरू हो जाएगा ये बजट के बाद, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़े बीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के बच्चे आईपीएस आए आईएएस आए अच्छा सुकून से जिंदगी बसर करे। किसी का घर में आईएएस आता है बहुत खुशी होता है, कल्याण होता है। कोई किसी का बीसी का कोई माइनॉरिटी का बच्चा आईएएस आईपीएस पढ़ता है तो उनका बोलबाला हो जाता है। इसी वास्ते हमारा सीएम साहब ने एजुकेशन में जबरदस्त कदम उठाया, वो कदम को कंटिन्यू करेंगे और आगे अगले साल भी और स्कूल ज्यादा बढ़ाएंगे और बच्चों को अच्छा पढ़ा के कोई एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। स्कूल में बच्चों का ड्रेस गवर्नमेंट देंगी, बुक्स गवर्नमेंट देंगी, खाने पीने का इंतजाम गवर्नमेंट करेंगी, रहने का इंतजाम हॉस्टल का इंतजाम भी गवर्नमेंट ही करेंगी। पूरा एक एक बच्चे के ऊपर 85,000 रुपीज खर्च